हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का। सो स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स। देख रहे हैं आप मुझे सैनी लर्निंग क्लासेस पे। देखो स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स इज सच ए साइंस विच टीचेस हाउ टू स्टडी डाटा ऑफ वेरियस फील्ड्स। भाई स्टैटिक्स एक ऐसा साइंस है जो कि हमें बताता है कि कैसे हमें डाटा को स्टडी करना है, पास्ट के डाटा को यूज़ करके कंपेयर करना प्रेजेंट के डाटा से, और फ्यूचर के लिए कोई चेंज को एस्टीमेट करना। वो क्या है आपका स्टैटिक्स है। ठीक है, स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम पास्ट के डाटा को लेते हैं, प्रेजेंट के डाटा से कंपेयर करते हैं, और फ्यूचर का कुछ चेंज जो है वो एस्टीमेट करते हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कि हम काफ़ी बार करते भी हैं कि हम अगर हमें कुछ भी स्टडी करनी हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पास्ट देखते हैं कि भाई उस स्टडी के पीछे की हिस्ट्री क्या है, फिर उसे प्रेजेंट से कंपेयर भी करते हैं कि उस हिस्ट्री का और प्रेजेंट में क्या रिलेशन है, फिर उससे हम एक कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या फ्यूचर के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं इस वजह से। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं जो कि लिखा हुआ है। स्टैटिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो स्टैटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि कंसर्न कर रहता है किससे, कलेक्शन ऑफ डाटा से, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा से, एनालाइजिस ऑफ डाटा से, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दैट मींस स्टैटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं कुछ चीज़, और फिर उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं फॉर देयर फ्यूचर कंसर्न कि हमें फ्यूचर के अंदर ये चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन है लॉगमैन डिक्शनरी से, स्टैटिक्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट फैक्ट्स और मेजरमेंट। भाई इन्होंने बोला कि जो स्टैटिक्स है वो एक कलेक्शन है नंबर्स का जो कि रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्स को और मेजरमेंट को। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है एएल बावले की। एएल बावले ने क्या बोला, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है फैक्ट्स के इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप इंक्वायरी कर रहे हो, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन में। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आप जिस डिपार्टमेंट में आप स्टडी कर रहे हो, किसी फैक्ट को रिलेशन बना के, उसकी जो न्यूमेरिकल स्टडी है वो क्या है, स्टैटिक्स है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है बॉडिंगटन ने जो दी थी, स्टैटिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज़। भाई स्टैटिक्स क्या है, एक साइंस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं और कुछ प्रोबेबिलिटीज़ लगाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वन है जो लॉविट ने दी है, स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कंपाइलेशन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। भाई स्टैटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, कंपाइलेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा को हम कंपाइल करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और टेबुलर फॉर्म के अंदर रखते हैं, जो कि हमें आने वाले जो इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, उनको एनालाइज और कंपेयर करने में हमें मदद करता है। ये किसने बोला है, लॉविट ने बोला है। ठीक है, तो लॉविट ने क्या कहा है, स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कंपाइलेशन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय विच इंसिडेंट्स आर डिटेल्ड, एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड। ठीक है, ये लॉविट ने बोला है। तो ये था आपका मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना जिससे आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अगर लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल।